अरे तू डरता बहुत है यार, ये हाथ ले अपने दिल पे डाल और बोल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब ये कुछ नया लाए हैं हमारे बाबा रणछोड़दास? अरे हमारे गांव में एक चौकीदार हुआ करता था। मैं दिल्ली में जाकर के चौकीदार की तरह बैठूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं, आप ऐसा चौकीदार बिठाओगे मैं हिंदुस्तान की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। वो रात को पहरा देते वक्त जोर जोर से चिल्लाता था, सब अच्छा है, सब चंगा सी, सब खूब भालो, एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल। और हम लोग सुकून से सो जाते थे। एक रात गांव में चोरी हुई तो पता चला कि साले को रात में कुछ दिखते नहीं है यार, ऐसे चिल्लाते रहता था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और हम लोग बेफिक्र होकर सो भी जाते थे। क्योंकि ये चौकीदार न सोता है, और कितना ही अंधेरा क्यों न हो, वो अंधेरे को पार करके चोरों को पकड़ने की ताकत रखता है। बहरहाल एक असली खबर की बात कर रहा हूं, भारत के चोटी के 10 कोऑपरेटिव बैंक में से गिने जाने वाले एक बैंक की खबर ने उसके खाता धारकों को सड़क पर उतार दिया है, नींद उड़ा दी है। जैसे ही खबर आई कि रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को अपनी निगरानी में ले लिया है और आदेश दिया है कि पीएमसी बैंक के खाता धारक 6 महीने में अपनी कुल जमा राशि का मात्र 1,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के 7 राज्यों में ब्रांच हैं, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी। मुंबई इसका मुख्यालय है, 50,000 से अधिक इसके खाता धारक हैं। मेरा नाम है अमित और मैं यहाँ पे अकाउंट होल्डर हूँ 20 साल से। हर एक ट्रांजेक्शन इसी के थ्रू होता है, डेली के यूज़ के लिए भी यहाँ पर होता है, मेडिकल्स के लिए भी इधर होता है, मेरे लाइफ इंश्योरेंस का भी इधर होता है, हर एक ज़रूरत का जो भी पैसा यहाँ पर, क्योंकि हमारी सरकार खुद कहती है ऑफिशियल करो, ऑफिशियल के बाद ये क्या हुआ, अभी ऑफिशियल क्या, अभी लोग ब्लैक मनी जमा करेंगे क्योंकि बैंक तो सेफ रहा नहीं। विदाउट नोटिस ऐसे आरबीआई रातों रात बैंक बंद नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन नहीं दे सकते, इनको पहले से पता है कुछ फ्रॉड ट्रांजेक्शन, पब्लिक का को उसका हर्जाना भरे, जिसने फ्रॉड की है, जो गलत लोन बांट रहा है उनको उनको हम दर्द करे ना। इस देश के खजाने पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा मित्रों, और इसलिए मैं चौकीदार के नाते आपकी सेवा करना चाहता हूँ। LIC के कुल एसेट्स में 57,000 करोड़ की कमी आई। LIC के जिन शेयरों को इस तिमाही के दौरान नुकसान हुआ उन पर अगर नजर डालेंगे तो आपको सरकारी क्षेत्र की कई कंपनियां दिखेंगी, ONGC, कोल इंडिया, NTPC, इंडियन ऑयल, ITC, L&T, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ICICI बैंक जैसी प्राइवेट कंपनियों में भी LIC के निवेश को नुकसान हुआ है। पता चला कि 2014 से 2019 के बीच LIC का बाजार में निवेश लगभग दोगुना हो गया, यानी 1956 में बनने से लेकर 2013 तक जितना पैसा बाजार में लगाया उसका दोगुना बीते 5 सालों में लगा दिया। आप पूछेंगे इसका आप पर और हम पर क्या असर पड़ेगा? सीधा असर है, पैसा हमारा आपका है। अगर LIC को निवेश में घाटा होगा तो लोगों को मिलने वाले रिटर्न में भी कमी आने की आशंका है। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि इस समय पूरे फाइनेंस सेक्टर में LIC ही है जिसके पास पैसा है, अगर वो किसी मुसीबत में फंसती है तो अर्थ जगत में बड़ा बवंडर होगा जिसे संभाल पाना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, भाइयों बहनों आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह वाह। ये मंत्र याद कर लो, यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है। God bless you all. Thank you.